आप यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव। किंतु मैं मित्र दुर्योधन के उपकारों का विस्मरण नहीं कर सकता। कौन सा उपकार राधे? क्या आपसे मित्रता करने के पश्चात दुर्योधन ने समग्र हस्तिनापुर के सूतों और पीड़ित मनुष्यों को विद्या का अधिकार दे दिया? क्या उसने सारे पीड़ित और शोषित समुदाय को अपना लिया? नहीं, नहीं राधे, उसने केवल अपने लाभ हेतु आपसे मित्रता की। आपके हृदय में अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा थी, उसके कारण आपसे मित्रता की। यदि आपने अपने दुखों का त्याग करके समाज के दुखों को अपनाया होता तो दुर्योधन की मिथ्या मित्रता का सत्य आप जान पाते। यदि दुर्योधन के हृदय में उपकार की भावना होती तो आप उसके माध्यम से संसार के पीड़ितों को लाभ करवा पाते। वास्तव में उसे सारे अधर्मों और अपराधों से मुक्त करवा पाते। किंतु आपने सत्य जाना ही नहीं। आप पर किए गए उपकारों का वास्तव में कोई मूल्य ही नहीं था। मैंने जीवन भर पीड़ितों और वंचितों को दान दिया है वासुदेव। अपनी संपत्ति में से अपने पास कुछ भी नहीं रखा। धन दान का वास्तविक लाभ दानी को होता है, दान प्राप्त करने वाले को नहीं। आपने यदि अपने सामर्थ्य का उपयोग अपने जैसे पीड़ितों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया होता तो सबको लाभ होता राधे। आप कहते हैं कि समाज ने आपकी संभावनाओं का नाश कर दिया, किंतु ईश्वर द्वारा दी गई उन संभावनाओं का मूल्य तो आपने जाना ही नहीं। एक सत्य जान लीजिए, जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है उसे स्वयं भी लाभ होता है, किंतु जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो स्वयं को और समाज को दोनों को हानि पहुंचाता है। कुरुक्षेत्र में आज जो विध्वंस हो रहा है उसका कारण ना दुर्योधन है और ना ही मामा श्री शकुनी। ये पाप तीन महारथियों का है, महामहिम भीष्म, गुरुद्रोण और आप राधेय।